दोस्तों, जैसा बीपीएससी ने आप सभी को वादा किया था, हमें वादा किया था, बीपीएससी ने रिलीज़ कर दिया है सिलेबस। बिहार टीचर का इसने सिलेबस रिलीज़ कर दिया है और सिलेबस बहुत ही धाकड़ सिलेबस है, बहुत धाकड़ सिलेबस है। यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहूँगा, देखिए ये है, अंग्रेजी में डिटेल में पूरा सिलेबस दिया गया है। सिलेबस का पीडीएफ मैं अपलोड कर दूँगा हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर में, आप जाकर वहाँ देख लीजिएगा। तो ये अंग्रेजी वाला है, हमारे हिंदी के जो ज़्यादातर बच्चे हैं इसलिए हम लोग हिंदी में इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, आप लोगों को ज़्यादा तकलीफ़ होगी नहीं। तो देखिएगा, इसको अच्छे से मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ और आपको इसका मतलब भी समझा दूँगा। देखिए, बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशक्तियाँ कार्रवाई और सेवा शर्तें नियमावली यहाँ पर दी गई हैं। इसके अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापक के पद नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा, वस्तुनिष्ठ प्रकार के पत्र, विषय प्रश्नों की संख्या, परीक्षा की अवधि और कुल अंक इस प्रकार होंगे। यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहला यहाँ पे दिया जा रहा है प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों के सभी अध्यापकों के लिए, प्राइमरी टू मिडिल के लिए। तो यानी यहाँ 1 to 5 का यहाँ बात हो रहा है। देखिएगा यहाँ पर क्या बातें हो रही हैं। तो 1 to 5 के लिए देखिए, यहाँ पे 100 सवाल आपको दिए जाएंगे। सवालों की संख्या कितनी होगी? 100 होगी, जिसमें भाग एक में 25 सवाल होंगे, भाग दो के अंदर 2 सवाल होंगे, ठीक है। कुल अंक भी होगा 100, तो भाग एक में 25 नंबर और भाग दो में 75 नंबर का होगा, ऐसा रहेगा। अब देखिएगा, इस पत्र में भाग एक और भाग दो खंड बनाया जाएगा। भाग एक में अंग्रेजी भाषा जो कि कंपलसरी होगा, सभी के लिए होगा, वो सबको लेना ही होगा। भाग दो की यहाँ बात हो रही है, इसमें हिंदी या उर्दू भाषा, बांग्ला भाषा, इन तीनों में से कुछ भी आप ले सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और इस पत्र का आहर्त जो है कम से कम 30% कंपलसरी है, ठीक है, 30% यहाँ पे ये कंपलसरी है लाना, ये क्वालिफाइंग है, ध्यान रखिएगा, है ना। ये होगा आपका क्वालिफाइंग नेचर का जो है ये पेपर होगा, यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है, क्वालिफाइंग नेचर का ये पेपर रहेगा। अब यहाँ हम लोग बात कर लेते हैं, इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो ये अर्हता जो है ये क्वालिफाइंग लेवल का रहेगा, प्राथमिक से उच्च माध्यमिक तक के लिए पेपर रहेगा। अब आते हैं जीएस वाले पेपर में। तो ये जीएस वाला पेपर के लिए जो आपको दिखा रहा है, देखिए, प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए, यहाँ प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों के लिए बात हो रही है, इसमें एलिमेंट्री मैथ रहेगा, ठीक है, जीएस का बात हो रहा है, 150 सवाल रहेगा, 2 घंटा का आपसे पूछा जाएगा, 150 नंबर का रहेगा, ठीक है। यहाँ क्या बोल रहा है कि मैथमेटिक्स रहेगा, मानसिक क्षमता परीक्षण यानी रीजनिंग रहेगा, सामान्य जागरूकता यानी कि यहाँ पे वही मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता यहाँ पे जो SIDI वगैरह रीजनिंग से संबंधित है, सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस सवाल रहेंगे, सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस। अब सोशल साइंस में आप लोग कन्फ्यूज होते हैं, तो पॉलिटी जो है ना आपका, पॉलिटी बेसिकली सोशल साइंस में आ जाता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यहाँ सीधा पूछ दिया है, तो यहाँ पर देखिए मॉडर्न हिस्ट्री पे आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, मतलब जो राष्ट्रीय आंदोलन, जो नेशनल मूवमेंट जो रहा है उसके ऊपर खासकर फोकस करना पड़ेगा। भूगोल और पर्यावरण इसमें शामिल रहेगा, ठीक है। तो जीएस का यहाँ पे आपको सिलेबस पूरा डिक्लेयर कर दिया गया है। अब देखिए, समान अध्ययन पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्थ के आलोक में होगा, है ना। यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि जो समान अध्ययन का जो पेपर होगा वो प्राथमिक, जो प्राइमरी लेवल का जो है उससे रिलेटेड ही होगा, लेकिन इसका लेवल जो है उम्मीदवार का जो कैटेगरी है, जिस क्लास के लिए, जिस लेवल के लिए वो लोग फॉर्म भरें, उसके अनुसार ये डिपेंड करेगा, ये उसी के हिसाब से ऊपर नीचे होगा। तीसरा यहाँ पे पार्ट दिया गया, विषय और सामान्य अध्ययन, सब्जेक्ट और जीएस। यहाँ पे देखिएगा, सब्जेक्ट और जीएस जो है माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए होगा, ठीक है, माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए होगा। यहाँ पे देखिए, भाग एक में होगा 100 नंबर का, भाग दो होगा 50 नंबर का, ठीक है, टोटल 150 नंबर के होंगे। अब भाग एक में जो है ये विषय पत्र होगा, उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है, हिंदी, बांग्ला, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान इसमें भाग एक में आपको दिया गया है। अब इसमें जो है विषय पत्र जो है माध्यमिक विद्यालयों के विषय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। जैसा कि अभी बोले कि इसका जो है सिलेबस जो है प्राइमरी स्कूल के हिसाब से ही होगा, लेकिन उम्मीदवार के सिलेक्शन कैटेगरी के हिसाब से इसका जो है लेवल ऊपर नीचे होगा। भाग दो देखिए, ये समान अध्ययन का पत्र होगा, जिसके प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होगा, ठीक है, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता यानी कि आपका करंट अफेयर्स की बात हो रही है, समान विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल इसमें शामिल रहेगा। तो जीएस में देखिए, ये आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें प्राथमिक गणित के बाद देखिए समान जागरूकता, समान विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और
भूगोल इसमें जो है आपके शामिल किए गए हैं, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ये सब में दे रहा है। अब यहाँ पे देखिए चौथा जो यहाँ पे हमारा यहाँ पे दे रहा है विषय और समान अध्ययन, चौथा वाला दे रहा है, इसमें 100 नंबर का रहेगा क्या आपका भाग एक और भाग दो, दोनों ही इसमें बनाया गया फिर से, और 100 नंबर और 50 नंबर का यहाँ पे बनाया गया है। उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए यहाँ पे ये होगा, देखिएगा यह पत्र 2 भाग में होगा, भाग एक और भाग दो। भाग एक एक विषय पत्र होगा, उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना होगा, जिसमें हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्रकृत, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, इतिहास, समाजशास्त्र, कंप्यूटर, गृह विज्ञान, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, भूगोल विज्ञान, राजनीति विज्ञान, कुछ भी, वाणिज्य, कुछ भी ये लोग चुन सकते हैं, कुछ भी चुन सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दे दिया गया, इतना सारा सब्जेक्ट रहेगा। अब विषय के बारे में बोला गया, विषय पत्र उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विषय के पाठ्यक्रम में संबंधित होंगे, यानी हायर सेकेंडरी की बात हो रही है, हायर सेकेंडरी का सिलेबस है, ठीक है, यानी कि ये प्लस टू का सिलेबस है, हायर सेकेंडरी का ये सिलेबस है। तो यहाँ बोला जा रहा है कि ये जो विषय पत्र जो है उच्च माध्यमिक विद्यालय के विषयों के पाठ्यक्रम में संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। दूसरा देखिए भाग दो क्या बोल रहा है, एक समान अध्ययन पत्र है जिसके प्रश्न उच्च माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसमें आपको एलिमेंट्री मैथ यानी प्राथमिक जो गणित है वो रहेगा, सामान्य जागरूकता, करंट अफेयर्स वगैरह रहेगा, जनरल साइंस रहेगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल इसमें शामिल रहेगा। तो ये इतनी सारी चीज़ें जो है आपको इसमें शामिल रहेगी, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आपको इसको बनाता है। तो ध्यान रखिएगा, बेहद ही ये इम्पॉर्टेंट जो है सिलेबस आपके सामने आ गया। अब इसके अनुसार आप अपने GS और GK का सिलेबस देख लीजिए, उसके अनुसार तैयारी करिए, लैंग्वेज पेपर देख लीजिए, उसके अनुसार तैयारी करिए, क्योंकि सिलेबस अब आपके सामने आ गया है। अब जो है टेंशन और चिंता वाली बात है नहीं, लग के पढ़ाई करिए। इस मंथ के लास्ट में आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, डेफिनेटली आ जाएगा, BPSC इस मंथ के लास्ट में नोटिफिकेशन निकाल देगा। 40,000 पोस्ट पे जो है मोटा मोटी ये वैकेंसी इस बार आने वाला है, तो लग के पढ़िए और नौकरी लीजिए। धन्यवाद।